स्टार्टिंग में इन दोनों को फाइट आप लॉन्चर वन एक ठीक है एक वन नॉक अगेन अगेन ओ माय गॉड पूरी स्क्वाड मैं तो नहीं कर रहा सरप्राइज मैंने नहीं कर रहा पर औरा भाई ये यूनिक था मतलब अच्छा था पर ये हाँ। ये कभी कभी पता क्या होता है गेम के मेटा में जो अपनी ये लॉन्चर होती है ना ये लॉन्चर एक बहुत खतरनाक रोल देखते हो ना मतलब वन शॉट किल वाला गेम कोई मतलब वन टैप नहीं कोई कुछ नहीं कोई भी एक नॉर्मल प्लेयर जो अभी मतलब गेम को ज्यादा समय से नहीं खेल रहा वो भी अगर लॉन्चर को चलाए तो बहुत बड़े चला सकता है लेकिन ऐसा बंदा जो गेम को बड़े समय से खेल रहा है और इतनी भयंकर देख रहे हो ना मतलब स्किल्स सामने वाले का क्या होता होगा मतलब इतना क्योंकि इतनी एक्यूरेसी और इतना एक्यूरेट मारना लॉन्चर को मतलब बहुत बहुत मुश्किल होता है मैं कभी ट्राई करता हूँ कभी कभी खुद पे फोड़ लेता हूँ और कभी कभी एनिमी को साथ लेके जाता हूँ ऐसा होता है मेरे साथ अधिकतर होता है गणित इनका गणित बहुत अच्छा है बहुत भयंकर अच्छा है इनका बट ज्यादा अच्छा है ये शॉट मुझे कूल लगा ये कूल था कूल पर अभी स्लैप नहीं करूंगा अभी नहीं करूंगा क्योंकि अभी मैं शॉक नहीं हुआ था बहुत ज्यादा भसड़ हो रही है बहुत सारे बंदे यहाँ पर ये नेड 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 और एक गया ओपनिंग दिला देगा ठीक है तीन बंदे एक स्लैप काउंट हो गया मेरा मेरा भी इस पे एक ऐड करूंगा एक ऐड हो गया लास्ट में मारेंगे भाई ठीक है सामने एक दो बंदे दो प्लेयर दिख रहे हैं हमको रश मार ठीक है चार हैं पूरे रश पूरे चार देखते हैं ठीक है ठीक है शॉर्ट रेंज आ गया क्रोनो लगाया उसने बढ़िया नेट ये टेक्निक अच्छी थी पर ये बैक ठीक है अगेन पीछे जा रहा है बहुत बढ़िया ठीक है 165 से एक देता रहे देता रहे बढ़िया 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 और नो भाई साहब सही था पर एक चीज देखिए बंदे के पास है ना बंदे का आईक्यू बहुत दौड़ा है मतलब बहुत अच्छा देखो है। ना कैसे ग्लू वॉल का लगा लगा कर पीछे आना ये बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि सबको पता होता है कि नहीं यार ये बंदा यहाँ है तो मतलब लोग जज कर लेते हैं ना कि ये बंदा यहीं पर होगा ग्लू वॉल लगी है पर इस बंदे ने मतलब ग्लू वॉल से अपने आपको पीछे किया कोई जज नहीं कर सकता कि बंदा किस ग्लू वॉल पर है और एक बात मैंने नोटिस करी है अगर आप एक अच्छे नेडर हो ना इसका मतलब आपका गेम सेंस बहुत अच्छा है क्योंकि आप ना नेडिंग के साथ ही साथ ना अपना ही गेम नहीं प्रिडिक्ट करते हो आप सामने वाले का मूव भी प्रिडिक्ट करते हो कि वो अगर उधर से निकल के आ रहा है तो मेरा नेड इस एंगल पे जाके कनेक्ट होगा तो ये क्रॉस कनेक्ट कैसे होगा आपका आईक्यू ना बहुत अलग लेवल पे चले जाता है इसके साथ और अगर आप इस तरह की नेडिंग कर रहे हो भारत का कोई सा भी नेडर हो मैं आसिम की बात करता हूं मैं तनिषा की बात करता हूं आइकॉनिक की बात करता हूं जिनको आने वाले टाइम पे हम लोग देखेंगे जो हमने स्पॉइल कर दिया जो मैंने स्पॉइल करके बता दिया बट हाँ यहाँ पे इनका आईक्यू बहुत अच्छा है लिंक एंड अपडेट लीक्स एंड अपडेट्स लिख दे दी आपको मैंने ठीक है ये नेड मैं राइट से जा रहा हूं ठीक है बढ़िया ये नेड गया ओ माय गॉड तीन बंदे तीन को डैमेज आया हील कर रहा है लॉन्चर छोड़ा सोने वाला भाई तीन को नॉक कर दिया इसने अगेन ये बहुत गलत मार रहा है भाई मैंने आइस ग्रेनेड ये तो ताकि कोई हील ना कर पाए ड्राइव ने सारे गए सारे एक बचा है बस पर ये बड़ा ये दिल दहला देने वाला था और भाई नेक्स्ट लेवल था भाई अब वो पता है अब वो दिन चले गए जब बंदा 2 एचपी 3 एचपी में क्लच किया करता था अब हाँ। क्या लगता है 2-3 एचपी एक आइस ग्रेनेड मारा खत्म 65 का डैमेज अलग और 10-5 का डैमेज अलग वो अलग और वो तिल तिल के मारने वाली बात होती ना वैसा एकदम वीएसएस होती ना उससे भी खतरनाक चीज मानता हूं मैं इसको वंस मोर ठीक है लॉन्चर लॉन्चर ठीक है ना ना राइट में एक और लेफ्ट में एक और लोअर लगी है भाई नाइस 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 उसने को अरे 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 ये दर्दनाक था भाई ठीक है नाइस बढ़िया 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 ओके ठीक है ये बहुत खतरनाक होने वाला है कुछ अकेला बचाया अच्छा अच्छा ये वही गेम है देखो ये जो लॉन्चर थ्रो करेगा ना ये बहुत नेक्स्ट लेवल थ्रो किया मर जाएगा पहले बट बाद में तक ये ना इम्पैक्ट बहुत ज्यादा क्रिएट देखो जो प्ले पर पड़ने वाला है ना इसके एलिमिनेट होने के बाद देखना अभी ये तो मर गया अब देखो ना अभी देखो मैं बता रहा हूँ देखो वो जो लॉन्चर थ्रो करके गया था ना वो अपने मरने के बाद बदला लेने के लिए थ्रो करके गया था ये लॉन्चर दो जाएंगे शायद ओ भाई ठीक है बंद मोर मार रहा है यार ये बंदा देख रहे हो भाई अरे भाई
ये लॉन्चर बहुत परफेक्ट मारता है, बहुत परफेक्ट लॉन्चर मारता है ये बंदा, लॉन्चर और नेड भाई भाई ये पता ना एक तरह का वर्सेटाइल प्लेयर, वर्सेटाइल प्लेयर हर रेंज पे खिला लो, किसी भी एंगल पे खिला लो। क्या मारा हेड, एक और पीछे जाके एंगल बना दिया इसके पास और दोनों ये बहुत भाई 5-10 थप्पड़ काउंट कर लेना ठीक है भाई, मेरे भी दोनों भाई देख रहे हो ये वाला सीन देखा ये क्या चल रहा है भाई ये लड़का बहुत ग्रेट है भाई, बहुत गलत ठीक है बढ़िया भाई इसको बोलते हैं 1,00,000 IQ लेवल नहीं 1,00,000 IQ बोलते हैं इसको, मतलब उसको पता था कि ये प्लेयर यहाँ रश करेगा तो यहाँ नेट डालने से, पर ये अच्छा था, ये अच्छा था। मुझे पसंद आया। ठीक आगे देखते हैं, जोकर उतर जा, एक और नेट चुप कर रहा है ये बंदा, ठीक है ये गया नेट, ओ माय गॉड एक और नॉक है खत्म करने के लिए, ये बहुत गलत ठीक है एक और नॉक, एक बचा शायद 1v1 शायद ये आया और ठीक है रिलोड आया बहुत बढ़िया नाइस ठीक है ये पूरी गेम रिलोड वाली होती है शॉर्ट रेंज में, ठीक है भाग रहा है बहुत बढ़िया भाई 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 रेड नंबर, कभी कभी तो लगता है इनके अंदर होगा ये वाला शॉर्ट रेंज पार्ट इसका थोड़ा सा इंसेन, इसको देखते हैं ठीक है शॉर्ट रेंज बहुत तगड़ा यार बंदे का, बहुत तगड़ा शॉर्ट रेंज, बहुत तगड़ा भाई बहुत तगड़ा, ठीक है एक और प्लेयर आ रहा है शायद इसकी तरफ, ठीक है नेक्स्ट लेवल ब्रो, ये देखते हैं ये बंदा और हेडशॉट, अरे भाई साहब देख रहे हो ये थोड़ा यूनिक था, अंदर देखते हैं बंदा अंदर है, अब तो चढ़ जाएंगे उसके ऊपर, कहाँ भागेगा देखते हैं ये गजब नाइस वन गजब दो बंदे आए, ठीक है यहाँ पर राइट से बंदा मार रहा है नेड कुक कर रहा है, तो पता क्या चल गया कि वहाँ बंदा है, देखते हैं अरे भाई हैकर ये क्या था यार, ये साइकोलॉजी ब्रो, साइकोलॉजी दिमाग के साथ खेलना ये तो हैकर लग रहा है भाई, ये हैकर इसको पता था कि वहाँ बंदा है, मतलब ये ऐसा बंदा है ये मोमेंट पार्टिकुलर बहुत तगड़ा था, जिसको बिना एंटीना के मालूम चल जाता है कि यहाँ बंदा है, तो कभी कभी ये लोग कुछ ऐसे शॉट्स मारते हैं, मतलब कैसे नेड मारते हैं कि लगता है कि यार इनके अंदर आत्मा समाई हुई, सपने आ रहे हैं इनको चलते फिरते कि नहीं यार यहाँ पे एनिमी है यहाँ नेड मार देता हूँ, और ये लगता है मेरे को लगता है कभी इंटरनली कुछ तो झोल है यहाँ पे, बट जो भी था बहुत नेक्स्ट लेवल चीज थी ये शॉट, मतलब मेरा फेवरेट लगा मुझे शॉट, क्योंकि ये बहुत इतना प्रेडिक्ट करना इतना बहुत मुश्किल होता है, और ये दिखाता है कितना एक्सपीरियंस है बंदे के पास, बुलेट 14 यहाँ पे ठीक है ऑलराइट नेट को करा जा रहा है, अच्छा यहाँ पे बंदा है बहुत से नेट सेक्सी नेट देख रहे हो उसका, ठीक है एक और भाई उर्रे भाई ठीक है हाँ ठीक है, क्या रिफ्लेक्सेस है यार भाई के, क्या रिफ्लेक्सेस है भाई के, बहुत ज्यादा सामने बंदा है ठीक है गोल गोल घूम रहा है वहाँ पर ड्रॉप के पास, और ये ना देखते हैं यहाँ पे फंस गया ये अच्छी चीज है पता है ये बहुत खास, अरे यार फंस गया लैंड लैंड ठीक है, अरे बच गया ग्लू वॉल तोड़ने की एक सबसे अच्छी निंजा टेक्निक होती है।